आज मैं आपको एक चाय की रेसिपी बताने वाली हूँ। ये चाय नहीं, एक तरीके से अमृत है और कई बीमारियों में एज ए मेडिसिन आपको रिलीफ देने वाली है। सिर्फ रिलीफ ही नहीं देगी, अगर रेगुलर बेसिस पे एज ए मेडिसिन को लेते हैं तो आपको उस बीमारी से छुटकारा भी मिल जाएगा बिना किसी दवाई के। आप प्रॉब्लम कौन कौन सी हो सकती है, जैसे सर्दियों के मौसम में ज़्यादा कोल्ड एंड कफ आपको बार बार होते रहना, या खांसी लंबे टाइम तक चलते रहना, सांस लेने में परेशानी होना, या बार बार फीवर की समस्या होना, आपको बुखार आ जाता है, या ब्लड का सर्कुलेशन ठीक तरीके से ना होना, बॉडी में पेन होना, अकड़ाहट होना, ठंड के दिनों में अक्सर ये देखने को मिलता है। ये चाय वैसे तो आप गर्मियों के दिनों में भी ले सकते हैं, लेकिन गर्मियों के दिनों में हम पहले से ही गर्म हुए होते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें, क्योंकि आमतौर पर हम ठंडी चीज़ें खाते हैं गर्मियों के मौसम में गर्मी से बचने के लिए। लेकिन ये चाय वैसे तो हमारा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाती है, शरीर के अंदर गर्मी पैदा करती है, तो गर्मियों के दिनों में लें तो तब लें अगर कोल्ड एंड कफ की समस्या ज़्यादा हो रही है। लेकिन ठंड के दिनों में अगर दिन में एक बार आप इसको जरूर लेते हैं तो जो ठंड का प्रकोप है आप उससे बच सकते हैं। बॉडी में अनगिनत पेन हो रहे, कहीं कहीं पे स्टिफनेस हो रही है, सूजन हो रही है, स्वेलिंग हो रही है, इन्फ्लामेशन बढ़ रही है, तो उन चीज़ से आप छुटकारा पा सकते हैं सिर्फ एक चाय से। तो क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इसमें डलने वाले हैं वो जानने के लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती है वैसे वैसे हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगती है। अब नजला जुकाम होना ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन कभी कभार क्या हो जाता है कि बॉडी में इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारी जो खांसी है या नजला जुकाम है वो भी एक एक महीने तक ठीक नहीं हो पाता है। इसके साथ में ही बार बार बुखार आने लगता है, बॉडी में स्टिफनेस ज़्यादा बढ़ रही है, पेन की समस्या हो रही है, और कभी कभी तो ये भी देखने को मिलता है कि सूजन भी बढ़ जाती है। हमारा मुंह भी आपने देखा होगा, जब आप सुबह को उठते इतना मोटा आपको लगता है, तो वो इन्फ्लामेशन ही है अगर बार बार स्वेलिंग हो रही है। और कई बार तो ठंडे पानी में हाथ डालने की वजह से आपकी उंगलियां स्टिफ हो जाती हैं और सूज जाती हैं, ये जो जॉइंट्स होते हैं उनमें भी सूजन आ जाती है। तो इस तरह की इन्फ्लामेशन अगर आपके साथ हो रही है, आमतौर पे जो जवान लोग होते हैं, यंग जनरेशन है, जैसे 20 से 30 साल की उम्र होती है, तो वो समझते हैं तो नॉर्मल है, ठंडे पानी की वजह से हो गया, हमारे हाथ सूज गए हैं, पैरों की उंगलियां सूज रही है। ये ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है, ये भी इन्फ्लामेशन है जो सर्दियों के दिनों में बहुत बढ़ जाती है, और पेन इतना बढ़ जाता है रात के समय में। आप देखोगे कि आपकी अगर उंगलियाँ सूजी हुई है तो उनमें पेन भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये सारी समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं और बच्चे आपके साथ होते हैं, उनको भी बार बार खांसी आती रहती है, तो कोई ऐसा सॉल्यूशन हमें नहीं मिल पाता जिससे हम प्रॉपर इन चीज़ों से छुटकारा पा सके। यानी अगर अगली सर्दी आए तो हमें इस तरह की समस्या ना आए, और अगर आ भी जाती है ये समस्याएं तो उसमें हम क्या कर सकें बार बार डॉक्टर के पास जाने के बजाय। तो ध्यान से देख लीजिए जो चाय की रेमेडी आपको बताने वाली हूँ, इसको ध्यान से देखना कैसे बनानी है। और फिर ये भी बताती हूँ कि कौन कौन से पेशेंट इसको किस तरीके से फेरबदल भी कर सकते हैं, जैसे आर्थराइटिस की समस्या होती है तो वो कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले एक कप पानी अपने पैन में आप डालेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग ज़्यादा भी ले सकते हैं, दो लोगों के लिए बनानी दो कप पानी ले लीजिए। उसके बाद अपना जो गैस है उसको ऑन कर लीजिए, या इंडक्शन है जो भी है, आप पानी को हल्का सा गर्म होने के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले जो इंग्रेडिएंट है उसमें हम डालेंगे दालचीनी, क्योंकि एक कप पानी मैंने लिया है तो दो चुटकी दालचीनी। नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट है वो है सौंठ का पाउडर, सौंठ का पाउडर बहुत थोड़ा ही डालेंगे, अगर आपके पास फ्रेश जिंजर है, अदरक है, वो भी आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा एक से डेढ़ चुटकी काली मिर्च, काली मिर्च बहुत कम ही डालेंगे अगर आप तीखा बिल्कुल नहीं पसंद करते, बहुत सारे लोग तीखा बिल्कुल खाते ही नहीं, मिर्ची बिल्कुल खाते ही नहीं, तो बहुत थोड़ी आप काली मिर्च डालें, अगर आप खाते हैं तो दो चुटकी आप काली मिर्च डाल सकते हैं। अगला जो इंग्रेडिएंट है वो है हल्दी, अम्बा हल्दी भी इसको बोलते हैं, अम्बा हल्दी हमारे पास है, आप चाहे तो पंसारी की दुकान से ले सकते हैं, या नहीं भी लेना चाहते तो नॉर्मल हल्दी आप ले सकते हैं, वही एक से दो चुटकी। अब जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है मुलेठी पाउडर, मुलेठी पाउडर, ये मुलेठी भी आपको मिल जाती है, लंबी लंबी डंडिया सी होती है, उसको आप घर में ग्राइंड कर सकते हैं या पाउडर भी आप ले सकते हैं। ये थोड़ा हम ज़्यादा लेंगे, तीन से चार चुटकी के बराबर, दुगना लेंगे, और ये भी हमने डाल दिया। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहे तो आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, वो है तुलसी,
अगर आपके घर में तुलसी नहीं है, नहीं तो फ्रेश तुलसी के 4 से 5 पत्ते आप ले लीजिए और उनको तोड़ के डालिए। इस तरीके से आप तोड़ दीजिए और इसमें डाल के आप छोड़ दीजिए। तो चाय को 1 से 1.5 मिनट पकाने के बाद चाय तैयार हो चुकी है। इसको धीमी आंच पे पकाना है और इसको कप में निकाल लेते हैं। अब किन किन लोगों को ये किस तरीके से लेना है वो ध्यान से देख लीजिए। इसमें कोई चीनी, कोई गुड़ नहीं डालेंगे, कोई शहद नहीं डालना है, आपको इसी तरीके से इसको पीना है। क्योंकि इसमें मुलैठी डाली हुई है इसलिए हल्का मिठास आपको आता रहेगा, आपको फील भी नहीं होगा कि आपने इसमें मीठा नहीं डाला है। इसलिए सबसे अच्छी बात इसकी यही है, बिना मीठे की आपको मीठी लगेगी। अब दूसरी चीज की, जैसे किसी को फीवर है और कफ वाली खांसी है तो उनको तो ये ऐसे ही पीना है, जिनको कफ वाली खांसी है। जिनको सूखी खांसी है तो वो इसमें 1 चम्मच कोकोनट ऑयल या ओलिव ऑयल डाल के इसको पी सकते हैं। अब जिनको वैसे पेन हो रहा है स्टिफनेस की वजह से, कि सर्दियों में स्टिफनेस आती है, अकड़न जकड़न वो सर्दियों में ही आ रही है, यानी इन्फ्लामेशन ओनली सर्दियों में ही हो रही है, नॉर्मली तौर पे होती है जिनको कम टाइम के लिए, तो वो इसको ऐसे ही पिए। अब जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, यानी घुटने घिस चुके हैं, घुटनों के जो जोड़ है वो खराब हो रहे हैं, तो तब आप क्या करें, कोई भी ऑयल कच्चा ही आपको डालना है। कोई भी ऑयल मीनिंग या तो ओलिव ऑयल हो या कोकोनट ऑयल हो, जो ऑर्गेनिक हो वो आपको लेना है और 1 चम्मच भर के इस चाय में ऐड कर लीजिए। इस तरीके से इसकी प्रॉपर्टी है वो और ज़्यादा बढ़ के निखर के आपके सामने आएगी और आपको फायदा भी करेगी, बॉडी की इन्फ्लामेशन दूर होगी। अब लेना कैसे है इसको, सुबह के वक्त आपने सबसे पहले पानी पिए, फ्रेश होए, कोई एक्सरसाइज वगैरह करनी हो वो कर लीजिए। अब सबसे पहले आप इसको ही लेंगे और जो नॉर्मल चाय आप लेते थे दूध वाली वो नहीं लेंगे, उसकी बजाय आप इस चाय को ले लीजिए। जैसे कि मैंने बताया किस कंडीशन में किस तरीके से लेनी है, अगर फीवर वगैरह है तो इसको बिना ऑयल के आप ले सकते हैं, नजला जुखाम है बिना ऑयल के ले। अगर सूखी खांसी बार बार हो रही है, वो रेगुलर चली रही है, तो 1 चम्मच ऑयल डाल के ले। अगर अर्थराइटिस की समस्या, ऑयल डाल के ले। इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं। अगर पेट में दर्द हो रहा है, कोई समस्या है, तो थोड़ी सी और इसमें अजवाइन के साथ इसको पका ले और तब इसको ले। वो जो पेट में अफारा आता है और पेट में दर्द होने की समस्या, उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। बहुत तेज गर्म नहीं पीनी है। सुबह के वक्त इसको पीने के बाद आप आधे घंटे तक कुछ ना खाए, या अगर 1 घंटे तक रुक सकते हैं तो रुक जाइए और इसको अपना काम बॉडी में करने दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा मीठे का सेवन ना करें। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से बिना दवाइयों के ठीक हो जाए, आप इस तरीके से इसको ले सकते हैं। और ध्यान रखिए, अगर दिन में आपने सुबह के वक्त ले ली है तो फिर दिन में ना ले या रात को ना ले। अगर आपने सुबह के टाइम नहीं लिए तो सोने से पहले भी आप इसको ले सकते हैं। जैसे हमें सांस में प्रॉब्लम आती है, जिनको अस्थमा की समस्या है, तो वो ऑयल ना डाले, बिना ऑयल के इसको रात को सोने से पहले ले सकते हैं। अब जैसे ये सूखे इंग्रेडिएंट्स हैं, हर किसी के पास नहीं होते, आप अलग अलग मार्केट से लेके आओ तब घर में रखो, या आपको पता नहीं कितनी कितनी क्वांटिटी आपको डालनी है, वैसे तो मैंने अंदाजन आपको बता दी है। तो ये जो ड्राई मसाले हैं वो सभी हमारे पास रहते हैं, और अगर आप चाहें कि इसको एज ए मेडिसिन हम बना के आपके पास भेजें 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, जितना भी आप मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं हमारे यहाँ से। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ऑर्डर बुक कर सकते हैं अगर आपको मंगवाना है। तो जैसे कि मैंने बताया कि इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, खास करके सर्दियों के दिनों में मैं भी इसको लेती हूँ, कभी कभी रात में ले लेती हूँ। अगर मुझे लगता है कि सर्दी जुकाम होने वाला है या हो गया है, तो 2 से 3 दिन में मेरा सर्दी जुकाम बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मुझे अभी लग रहा था 4-5 दिन पहले, जैसे मैं ठंडे पानी में नहा ली तो मुझे लग रहा कि गले में खसखस हो रही थी, खांसी आने वाली है, तो एक दिन मुझे ऐसा फील हुआ और मैंने ये चाय पी ली। 2 से 3 दिन के लिए पी, मेरी खांसी बिल्कुल नॉर्मल हो गई, सांस भी मुझे अच्छे तरीके से आ रहा, और जो कफ था हल्का फुल्का वो भी आसानी से निकल गया था। और ये आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में दे, कम मात्रा में दे, और तो बच्चों के भी फायदा करेगी, जैसे बच्चों को भी खांसी जुकाम हो जाते हैं, और बुजुर्गों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। यंग लोग हैं, 20-30 साल के, 35 साल के लिए, उनके लिए भी अमृत है ये। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।